हैप्पी विजयादशमी टू ऑल ऑफ यू। आज मैं लेके आई हूँ अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। अंगूरी रसमलाई खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये झटपट बन भी जाता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर पर ही इसे बना सकते हो, वो भी मार्केट जैसा। तो मेरी रेसिपी आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। जो भी मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स यहाँ पर बताया है वो फॉलो कीजिएगा तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। और एक बात है, चैनल में जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनको बहुत सारा थैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो मलाई के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, या इसको मैं आधा करूँगी, मतलब कि आधा लीटर मैं कर लूँगी, और इससे ज़्यादा हम गाढ़ा इसे नहीं करेंगे, नहीं तो वो अच्छे से नहीं बनेगा। अंगूरी रसमलाई थोड़ा पतला ही होता है। और यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ छेना। तो छेना के फुल रेसिपी मेरे चैनल में है, जो मैंने मलाई चमचम बनाई थी उसमें मैंने दिखा दिया है। और अब देखिए ये गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1 कप चीनी। 1 कप चीनी बहुत है, इससे कम भी आप दे सकते हैं अगर आपको मीठा कम खाना है, लेकिन इसको बिल्कुल भी गाढ़ा मत कीजिएगा। अंगूरी रसमलाई में हमेशा अगर मलाई थोड़ा पतला रहे तभी वो टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है। बिल्कुल जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है वैसे ही बनेगा अगर आप लोग मेरी रेसिपी को एकदम हूबहू फॉलो करें तो। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वहाँ पे बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ पे मैं 2.5 कप चीनी ले रही हूँ। ये जो कप मैं दिखा रही हूँ इसके 2 कप और हाफ कप, और इसके साथ मैं मिलाऊंगी 6 कप पानी। बिल्कुल उसी कप से जिस कप से मैंने चीनी लिया है, देखिए ये चीनी का जो कप है वही है, इससे हम 6 कप पानी लेंगे। जितना पतला हमारा चाशनी होगा, हमारा रसमलाई के जो रसगुल्ले हैं वो सॉफ्ट बनेगा, और जब हम मलाई में देंगे वो बहुत अच्छे से वो मलाई सोक करेगा और एकदम नरम रुई जैसा हमारा रसमलाई बन के रेडी होगा। तो अब मैं छेना को अच्छे से मसल मसल के एक डो रेडी करूँगी। इसको जितना हम अच्छे से पेस्ट रेडी करेंगे उतना ही स्मूथ टेक्सचर आएगा हमारे रसगुल्ले में। पाम से कभी भी मत कीजिएगा, हाथ से कीजिएगा, हाथ के हथेली के गर्म से ये ड्राई हो जाएगा। अभी मैं मिला रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब घी। घी से इसका एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। साथ में मैं दे रही हूँ 1 टीस्पून के करीब शुगर पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैदा। इससे भी हमारा छेने का जो टेक्सचर है वो अच्छा आएगा, और जितना टेक्सचर अच्छा होगा हमारा रसगुल्ला बनके रेडी होगा सही से। अभी देखिए, इसको थोड़ी देर मैंने रख दिया था, इससे क्या होता है ना कि छेना सेट हो जाता है। इसके बाद जब हम रसगुल्ले बनाएंगे वो एकदम परफेक्ट बनेगा और क्रैक भी नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया है, इतना ही छोटा छोटा गोल बनाना है, इससे ज़्यादा बड़ा ना कीजिएगा, नहीं तो अंगूरी रसगुल्ला नहीं बनेगा। देखिए मैं दिखा रही हूँ, और जो भी अगर टेढ़ा मेरा आपको लगे कि बन रहा है तो आप थोड़ी देर इसको रख दीजिए और फिर दोबारा बना लीजिए। कोई भी इतना हार्डकोर नहीं है, बहुत ही अच्छे से बनता है और ये क्रैक भी नहीं होगा जो जो प्रोसेस मैंने बताया है। देखिए तो इस तरीके से मैं सब कर रेडी कर लूँगी, जितना भी हमारा रसगुल्ला है। एक देखिए मैं दिखा रही हूँ, फिर भी ध्यान से देखिए, हथेली से इस तरीके से हमें करना है, तो क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होता है दोबारा आप इसको ऐसे देखिए पेस्ट कर लीजिए और फिर रोल कर लीजिए, तो आराम से ये बन के रेडी होगा। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, और डेजर्ट बना रहे तो पेशेंस तो हमें चाहिए। तो ये बन गया है, तो चलिए अभी अगला प्रोसेस में चलते हैं। तो सारे रसगुल्ले मैंने बना लिए हैं छेने से। 2 प्लेट में आ गया है 1 लीटर दूध से जो छेना निकला था। और अभी देखिए मैं ये चाशनी बॉयल हो गया है, इसमें एक एक करके मैं ये जो रसगुल्ले के बॉल मैंने बनाए हैं ये दे दूंगी, और इसको अभी उबालने के लिए रखूंगी। देखिए ये उबल रहा है अच्छे से, इसे हमें 20 मिनट तक अच्छे से इसे बॉयल करना है, और फुल फ्लेम में इसका बॉयल उबल करने का जो बॉयलिंग जो दिखा रहे हैं इसको ये दिखना चाहिए। इसे बिल्कुल भी कम मत होने दीजिएगा। तो इसको मैं ढक के रखूँगी 20 मिनट तक, वो मैंने दिखाने के लिए मैंने ओपन किया था। तो देखिए 20 मिनट के बाद ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। कोई भी फॉल
नहीं हुआ है रेसिपी और ना एक भी क्रैक हुआ है, मैं उठा के अभी दिखा रही हूँ। देखिए देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए है ना, देखिए कितना छोटा बनाया था हमने, फिर भी ये फूल के कितना डबल हो गया है। तो इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल इस पर घर पर ट्राई कीजिएगा। मैं फिर एक बार दिखा रही हूँ, देखिए तो ये बिल्कुल रेसिपी परफेक्ट है, आप लोग अगर घर पर ट्राई करोगे तो। तो नेक्स्ट है कि मैं अभी इसे निकाल लूँगी चाशनी से और निकाल के हम एक बार धो लेंगे। वो वीडियो मैंने नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये जो मैंने निकाला है इसको अभी एक बार प्लेट में लेके आप लोगों को धो लेना है, उसके बाद ही आपको ये मलाई में दे देना है जितने भी हमने रसगुल्ले बनाए हैं रसमलाई के। क्योंकि इससे पहले दीजिएगा तो ये बिल्कुल वो गर्म रहेगा और मलाई में जाते ही ये श्रिंक कर देगा, तो इसीलिए मैंने बोला है। तो रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने एक घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखा था रसमलाई को, और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ चम्मच से काट के। देखिए इतना सॉफ्ट बना है ये, यकीन कीजिए फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत अच्छा बनेगा अगर आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो। और मुझे आज ये वीडियो देख के कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा, और अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।